नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कोविड के दौरान और आजकल भी काफ़ी लोग सर्वाइकल के दर्द से जूझ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम पांच ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे सर्वाइकल से जुड़ी, जिससे आपका सर्वाइकल का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी को इतनी व्यस्त दुनिया में चुभने वाला दर्द गर्दन में, कंधों में तो हुआ ही है। काफी हद तक संभावना है कि आपको सर्वाइकल पेन है। तो अब बात करते हैं सर्वाइकल किसे कहते हैं। हमारी गर्दन में एक हड्डी मौजूद है, उस हड्डी को सर्वाइकल कहते हैं। अब इस हड्डी के अंदर भी सात और हड्डियां होती है, जिसे C1 to C7 कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट सर्वाइकल 1, लैंडिंग हड्डी C7 है। और सर्वाइकल पेन के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां घिस जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन वहां पर हो जाता है, इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस कहते हैं। दूसरा यानी कि मसल स्पैज़म, मसल का टाइट हो जाना वहां पर। जैसे कि जब आप अधिक देर तक एक क्रिया में बैठते हैं तो आगे की मसल, जैसे कि आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो ये जो मसल है आपकी, ये टाइट हो जाती है, और पिछली वाली जो मसल है वो हद से खिंच जाती है, ओवर एक्टिव होती है। तब आपको यहाँ पर सर्वाइकल का पेन की शिकायत शुरू होती है, या फिर बैड पोस्चर। तो जो मैं आपको अभ्यास बताऊंगा उसको आप अगर नियम से करेंगे तो आपको ये जल्दी इसका आराम मिल जाएगा, और ये अभ्यास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। ऑलरेडी हम काफ़ी हजारों स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं और काफ़ी लोग इससे ठीक हो चुके हैं, तो मैं आपसे अब अभ्यास शेयर करूँगा। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। जिसमें आपको इस मसल को एक्टिव करना है और पिछली मसल को आपको रिलैक्स करना है। तो आज के अभ्यास में स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेचेस करेंगे। तो पहले अभ्यास के लिए आपको सुखासन की अवस्था में बैठना है, या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। सुखासन सीखने के लिए ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है ताकि आप ये समझ जाएं कि सीधी कमर करनी कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे ताड़ासन, वो भी बैठ के। मैं आपको साइड से करके दिखाऊंगा। हाथों को इंटरलेस करना है, श्वास लेते हुए स्ट्रेच करना है, कमर देखने से कुछ इस प्रकार सीधी रहनी चाहिए, और एक फेर करते नीचे आना। ये 6 बार करेंगे, श्वास लेते ऊपर अच्छे से खींचेंगे और फिर श्वास छोड़ते हैं नीचे। श्वास लेते ऊपर, एक्सहेल नीचे। श्वास लेके ऊपर, श्वास लेके नीचे। 2 बारी और, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते हैं नीचे। श्वास लें, इससे आपके शरीर में सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा और आप एक रिलैक्स फील करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम दोनों शोल्डर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फेशियल मसल्स रिलैक्स करनी है, आपको अभ्यास में जुड़ना है, फोर्स नहीं करना, शरीर भी आपको इसके बाद धन्यवाद देगा। श्वास ले क्लॉकवाइज, इतना गोलाकार में इसको घुमाते हैं घुमाए, श्वास लेके पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, आगे श्वास लें और आगे श्वास छोड़ें, पीछे श्वास लें और आगे श्वास छोड़ें। इस बात का सदैव स्मरण रखें कि अभ्यास को धीरे धीरे सहजतापूर्वक करना है, के आपको नतीजे अवश्य और जल्द मिलेंगे। अब अगले अभ्यास की बढ़ेंगे, जिसमें आपको कंधों को ऊपर और नीचे करना है। ये मूवमेंट डायनेमिक चलती जाएगी, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। इसे हम 10 टाइम्स करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास ले, श्वास छोड़े। कंधों में जो जकड़न है, आपको चुभने वाला जो दर्द हो रहा है, से काफी दूर हो जाएगा। श्वास लेके ऊपर,
श्वास छोड़कर नीचे। इस क्रिया को आप जितना स्लो करेंगे ब्रेथ के साथ करेंगे, उतना ही इसके लाभ आपको जल्द और अधिक मिलेंगे। अब आपको दोनों कंधों को आगे और पीछे लेके जाना, पीछे ले जाते वक्त श्वास लेनी है और आगे लाते वक्त श्वास छोड़नी। ये वही हिस्सा है जो दिन में आपका कम इस्तेमाल होता है और आपको पीछे की तरफ नेक में पेन होता है। याद रखें, कमर सीधी रहनी चाहिए। पीछे जाते वक्त शोल्डर ब्लेड्स नज़दीक आ रहे होंगे, उसे रिट्रैक्शन कहते हैं, और सामने की तरफ उनको पुश करें। फिर स्लो एंड स्टेडी, इसे भी 10 बार अवश्य करें। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, वो आपके नेक रीजन के लिए। यह अभ्यास काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरा अच्छे से अवश्य देखें। ये अभ्यास कुछ इस प्रकार है नेक के लेटरल साइड के लिए। तो जब आप राइट साइड जा रहे हैं तो आपको इस ओर खिंचाव आएगा। उसी वक्त आपको ध्यान रखना है कि कंधे वाला हिस्सा जो है शोल्डर जॉइंट, ये ऊपर ना आए, ये सामान्य इसी अवस्था में रहे। आप देख पा रहे हैं ये ऊपर आया, ये सामान्य अवस्था। पीछे रखते हुए इसे कम से कम आप 5-10 सेकेंड होल्ड करें, श्वास पर श्वास लेते रहें, कमर सीधी रहेगी। ठीक इसी प्रकार दूसरे हाथ की मदद से आप लेफ्ट साइड जाएं, आंखें बंद कर सकते हैं। याद रखें कंधे का जॉइंट ऊपर ना आए, ये उसी आकार पर रहना चाहिए। इसे भी हम दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे। याद रखें श्वास को नहीं रोकना, जितनी श्वास लंबी गहरी होगी उतना ही आपको शरीर में पसीना कम आएगा और नतीजे अधिक मिलेंगे। श्वास सामान्य, ध्यान अपने शरीर के ऊपर, इस खिंचाव पर, ताकि आपका ये दर्द जल्द से जल्द दूर हो जाए। अब गर्दन को दाईं से बाईं लेके जाएंगे। हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी श्वास नहीं रुकनी चाहिए। जब तक श्वास सामान्य रहेगी आप लंबी देर तक अभ्यास होल्ड भी कर पाएंगे और उसका आनंद उठा पाएंगे। तो गर्दन को दाईं ओर लेके जाएं, लंबी गहरी श्वास लेते रहें। इस क्षेत्र में खिंचाव महसूस होगा या टाइटनेस जो आपको फील हो रही थी, जो ये मसल का इस्तेमाल हम कम कर रहे थे, वो यहाँ से एक्टिव हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आप अपोजिट साइड भी जाएं, ब्रीदिंग रिलैक्स रखें, लंबी गहरी श्वास को पेट को महसूस करते जाएं, किस प्रकार पेट आगे और पीछे हो रहा है। दोनों साइड कम से कम कोशिश करें 3-5 बारी अवश्य करें। जब जब जितनी जल्दी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका मतलब ये है कि श्वास आपके शरीर में कम जा रही है, आपकी हार्ट बीट तेज है। जितनी सामान्य होगी, जितनी लंबी गहरी होगी, उतना ही आप लंबा, उतने आपको जल्दी आराम मिलेगा। अब अगले अभ्यास के बढ़ते हैं, वो है हाफ सेमी सर्कल, वो भी सिर्फ बैकवर्ड, ताकि इस रीजन को हम स्ट्रेच कर पाए। तो ये मैं आपको साइड फ्रेम में करके दिखा रहा हूँ, एक बार देखें। बैकवर्ड लेके जाएंगे, ब्रीदिंग चलती जाएगी। याद रखें इस अभ्यास में आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, इतना कोशिश करना है जो आपके सर का पिछला हिस्सा है वो आपके टॉप ऑफ द शोल्डर टच हो जाए। स्लो करना है, 5-10 बारी इस अभ्यास को भी करना है। तो ये था आपके सर्वाइकल का पेन का इलाज। अब वीडियो की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात करते हैं कि सर्वाइकल का कैसे आप पता लगा सकते हैं। काफी बार ये हमने कंसल्टेशन में और ये ऑब्जर्व भी करा है, काफी लोगों का पोस्चर बदल जाता है रूटीन के साथ, जैसे कि उनकी गर्दन आगे पर शिफ्ट हो जाती है। इसमें इजिली ऑब्जर्व कर पाएंगे ऐसे शरीर का स्ट्रक्चर बदला आपके दिनचर्या के अकॉर्डिंग, तो आप इमेजेस में अच्छे से देखिए।
अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं, कैसे इस समस्या से बच सकते हैं, कैसे आप इसका ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि पहले इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप फोन कॉल अटेंड कर रहे हो तो उस वक्त मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, आप वॉक करते हुए फोन कॉल अटेंड करें, जिससे नेक में वो प्रेशर बिल्ड ही ना हो और ये हैबिट से आपकी बैक, नेक और नीज भी अच्छे स्वस्थ रहेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यानी कि जब भी आप लंच या फिर पानी पी रहे हैं उससे पहले एक हैबिट बना लें कि मैं ये चीज़ तभी करूँगा जब मैं एक एक्सरसाइज करूँगा। छोटी छोटी हैबिट बनाने से ये समस्या अराइज ही नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहाँ बैठ रहे हैं हिप के नीचे और एक बैक के नीचे तकिया का अवश्य प्रयोग करें ताकि आपकी बैक को सपोर्ट अवश्य मिले। चौथा यानी कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पर आप बैठ रहे हैं अगर आपका लैपटॉप का या फिर स्क्रीन का एंगल नीचे की तरफ है, बैक को झुकाना पड़ रहा है, तो उस दौरान पर आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, उनका भी बंडल बना दीजिए, उसके ऊपर प्लेस करें ताकि आपकी नेक काफ़ी स्थिर हो जाए, सीधी हो जाए। या फिर आप लैपटॉप का स्टैंड भी ले सकते हैं जो काफ़ी हेल्प करेगा। और पांचवा इम्पोर्टेंट, आपको एक्शन लेना पड़ेगा तभी आपकी समस्या का हल मिलेगा। और एक हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आजकल के सभी लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप हम भूल जाते हैं अपना ध्यान रखना, तो इस वीडियो को आपको अपने फैमिली मेंबर्स में, आपके फ्रेंड्स में हर जगह शेयर करें ताकि किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ की समस्या ना हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपका सभी लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।